गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी का जो चैप्टर अपना चल रहा है उसी चैप्टर के बारे में आज हम थोड़ा समझते हैं उसको। तो हमारे टॉपिक का नाम है विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब व्यापार से संबंधित हम सारी चीज़ों के बारे में आज इसमें जानेंगे, क्योंकि हमारा जो ये जो टॉपिक है, आपके पास जो नोट्स भेजे जाते हैं वो नोट्स से पीडीएफ जो आता है, उस पीडीएफ को दो पार्टों में, इस चैप्टर को दो पार्टों में भेजा गया है। तो फर्स्ट वाला जो पीडीएफ का जो पार्ट है उसका आज समझने का हम प्रयास करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाला पार्ट हम समझेंगे। तो हमारे शुरुआत करते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, कि पहले सबसे पहले तो व्यापार होता क्या है, व्यापार का प्रारंभ क्यों हुआ, व्यापार की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी किस प्रकार से ये व्यापार की आवश्यकता पड़ी। तो अब हम बात करें व्यापार वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान के बाद आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे धन की प्राप्ति होती है, इनकम मिलती है अपने को, इसलिए हम इसको आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल करते हैं। व्यापार तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय यानी सेवा क्षेत्र का पार्ट माना जाता है। सेवा क्षेत्र में हम मानते हैं कि व्यापार की हम कोई भी वस्तु किसी को व्यक्ति को देते हैं तो उसके बदले में कुछ धन अर्जित होता है, तो इसी कारण से हम व्यापार के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे व्यापार क्या होता है। तो व्यापार आर्थिक क्रियाकलापों में तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तृतीयक व्यवसाय में का हम नाम देते हैं तृतीय अर्थव्यवस्था, जो हमने पढ़ाया है पहले भी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम जो व्यवसाय, पांच मुख्य व्यवसाय, उनमें तृतीयक व्यवसाय का ही किस श्रेणी में आता है, जिसको अपन सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इस व्यापार को दो भागों में बांटा गया है। व्यापार दो प्रकार का होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब इसको तो अपन नाम से पता चल रहा है कि राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर होता है, तो दो प्रकार से इसका व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करें तो दो देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, हम किसी दूसरे देश से कोई वस्तु ले रहे हैं और उस देश को कुछ दूसरी वस्तु दे रहे हैं, तो उन वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार मानते हैं, और वो कौन सा व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसी प्रकार राष्ट्रीय व्यापार एक देश की सीमाओं के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर एक राज्य से दूसरे राज्य में एक देश की सीमा के बाहर नहीं करके एक देश की आंतरिक सीमाओं के अंदर ही जो व्यापार किया जाता है उसको अपन राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। हम हालांकि इसमें अपने बुक में दिया हुआ नहीं है, राज्य व्यापार भी बोलते हैं। राज्य व्यापार क्या होता है, अपने राज्य जो होता है उस राज्य के आंतरिक क्षेत्रों के अंतर्गत वो राज्य व्यापार, लेकिन अपने को केवल व्यापार में दो ही पढ़ना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय देश की सीमाओं के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय दो देशों या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। तो ये दो प्रकार है हमारे। तीसरा हम बात करते हैं एक महोदय अर्थशास्त्री ओलिन जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गुणों के आधार पर नहीं बल्कि मात्रा के आधार पर ही मापा जाता है। हम कोई वस्तु लेते हैं तो क्या उसको गुणों के आधार पर देखते हैं, मापतोल के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित होता है या गुणों के आधार पर होता है, तो उसका जो मूल्य निर्धारित वस्तु का जो मूल्य होता है वो उस वस्तु के आधार पर, वस्तु की मात्रा के आधार पर ही उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि उसको गुणों के आधार पर नहीं, व्यापार को गुणों के आधार पर नहीं मान करके किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर ही मापा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीरे धीरे दो देशों के मध्य होने लगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राचीन काल में क्या होता था, बहुत ज़्यादा लंबी दूरी का जो व्यापार होता था उस लंबी दूरी का व्यापार जोखिमपूर्ण होता है। जोखिमपूर्ण का से हमारा अभिप्राय होता है कि एक भारत का एक व्यक्ति या किसी भी देश का एक व्यक्ति दूसरे देश में जब व्यापार करने जाता था तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी। कठिनाइयाँ ऐसे कि उसको भाषा का ज्ञान भी होना ज़रूरी है, दूसरे देश में वो जाएगा तो वहाँ की भाषा उसको आनी चाहिए तब जाकर वो वहाँ व्यापार कर पाता था, दूसरी वहाँ की कला संस्कृति से सब वाकिफ नहीं होता है, तो वहाँ के यहाँ से हम वस्त्र लेके जा रहे हैं वहाँ पर उन वस्त्रों का कोई मतलब ही नहीं है, कोई पहनता ही नहीं है, ऐसे तो वस्तुओं का आदान प्रदान जो होता था वो जोखिमपूर्ण। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अपन मानकर चले कि एक देश से जब दूसरे देश में, उस समय कोई परिवहन के लिए, अभी तो हम वायुमार्ग के माध्यम से पहुँच जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उस समय हम क्या करते थे, जहाज़ों के माध्यम से यात्रा करते थे, तो उस दौरान क्या होता है, समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, तो समुद्री लुटेरे इन व्यापारियों को समुद्र में ही लूट लिया करते थे। अब वो बेचारे कमाने खाने गए थे लेकिन वो वापस लूट कर आ जाते हैं। तो प्राचीन काल में जो व्यापार होता था वो जोखिमपूर्ण होता था, इसलिए व्यक्ति स्थानीय व्यापार को ज़्यादा महत्व देते थे। स्थानीय व्यापार यानी अपने देश के आंतरिक भागों में ही व्यापार को ज़्यादा महत्व देते थे। प्राचीन काल में जो व्यक्ति थे वो क्या थे, अपने पास उपलब्ध जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग अपने स्वयं के खर्चे के लिए, अपनी दैनिक जीवन
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका प्रयोग कर, अपने पास संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग वो अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते थे। केवल कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं, कुछ अमीर लोग जो थे, कुछ अमीर राजा महाराजा बोल सकते हैं उस समय, क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं वाला शासनकाल था, तो राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो अमीर लोग जो थे वो महंगी वस्त्र आभूषणों का प्रयोग करते थे, तो उनको व्यापार की और उन्हीं के कारण व्यापार का प्रारंभ भी हुआ। जो व्यापारी लोग आते थे वो ऐसे अब गरीब आदमी को अगर बाहर से आने वाला व्यक्ति कोई वस्तु बेचेगा तो वो तो खरीद नहीं रहा, तो इन वस्तुओं को कौन खरीदता था? जो अमीर लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इन वस्तुओं का वस्त्रों का प्रयोग, महंगे वस्त्र हो गए, मसाले हो गए, या इस प्रकार अन्य जो महंगी आभूषण हो गए, तो इस प्रकार के जो वस्त्रों आभूषणों मसालों का प्रयोग जो करते थे वो अमीर लोग करते थे, और इन अमीर लोगों के कारण ही व्यापार का प्रारंभ भी माना जाता है, व्यापार का प्रारंभ इन्हीं के कारण हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान से समझना है कि किस प्रकार व्यापार की उत्पत्ति हुई है। व्यापार अपने पास कोई वस्तु हमारे पास नहीं है और उस वस्तु की आवश्यकता हमें, चाहे हम उसके लिए कितना भी मूल्य देने को तैयार है, तो वो वस्तु ऑटोमेटिक क्या होती है, दूसरे देश से आयात कर ली जाती है। दूसरे देशों से उस वस्तु को हम मंगा लेते हैं और मंगा करके जो व्यक्ति को आवश्यकता होती है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसके बदले में वो व्यक्ति क्या करता है, सामने वाले को धन प्रदान करता है, धन देता है, और इस प्रकार व्यापार की शुरुआत मानी जाती है। अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उनको पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। प्राचीन काल में लंबी दूरी का व्यापार जोखिमपूर्ण हुआ करता था और इसलिए लोग स्थानीय व्यापार को ज़्यादा महत्व देते थे। अतः लोग अपने संसाधनों का अधिकांश जो भाग होता था, ज़्यादातर भाग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर, भोजन वस्त्र पर खर्च करते थे, और केवल अमीर लोग ही महंगे वस्त्रों आभूषणों का प्रयोग करते थे। इन्हीं अमीरों के कारण व्यापार का प्रारंभ हुआ है। प्राचीन कालीन जो रेशम मार्ग था वो सबसे लंबी दूरी का व्यापारिक मार्ग था, ये एक उदाहरण है। उस समय सबसे लंबा रोम से लेकर के चीन के मध्य रेशम के जो वस्त्र हुआ करते थे, रेशमी जो कपड़ा जो होता था उसका व्यापार किया जाता था, तो सबसे लंबी दूरी का यही था, जिसको 6000 किलोमीटर लंबा रेशम मार्ग था। ये रोम को चीन से जोड़ने का कार्य करता था, रोम से चीन यानी चीन से रोम तक इन वस्तुओं को पहुँचाने का काम, तो उनके मध्य व्यापार होता था चीन और रोम के मध्य, तो सबसे लंबी दूरी का व्यापारिक मार्ग था 6000 किलोमीटर लंबा। व्यापारी भारत, अब व्यापारी जो थे किस तरह कहाँ कहाँ से गुजरते थे, भारत हो गया, पारसिया पड़ता है ईरान में, मध्य एशिया को चीन में, रेशम से रोम तक बहुमूल्य वस्त्र मसाले अनेक महंगी वस्तुओं का व्यापार, ये जो व्यापारी हुआ करते थे, भारत हो गया, पारसिया ईरान, मध्य एशिया हो गया चीन वाला क्षेत्र, रोम जो क्षेत्र था, रोम कहाँ पर, इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है, रोम तक इन बहुमूल्य वस्त्र मसाले अनेक महंगी वस्तुओं का व्यापार ये लोग करते थे, व्यापारी जो लोग थे। अब जब रोम का विखंडन हो गया, रोम विखंडित तो हुआ, तो रोम के विखंडन के बाद 12वीं और 13वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापार में धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गई, वृद्धि होना। जैसे रोम जो था, पहले एक रोम ने एकाधिकार कर रखा था व्यापार के ऊपर, लेकिन जैसे ही व्यापार में रोम का विखंडन हुआ, रोम विखंडित हो गया यानी अलग अलग पार्टों में डिवाइड हुआ, तो उसके बाद में यूरोपियन जो कंट्रीज थी, यूरोपियन जो देश थे, उनके व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई और यूरोप और एशिया के व्यापार जो क्षेत्र थे वो बढ़ गए, यानी एशिया और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध और ज़्यादा बढ़ने लग गए। 15वीं शताब्दी में यूरोप ने क्या किया, अपने औपनिवेशवाद का प्रारंभ कर दिया। 15वीं शताब्दी में जो यूरोप के जो देश थे, उन यूरोप के देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाना प्रारंभ कर दिया, दूसरे देशों के जो व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को दास बनाना प्रारंभ कर दिया। तो ये 15वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था, और यही इसी का असर था कि अपने देश के अंतर्गत जो ब्रिटिश जो अंग्रेज आए थे वो व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लिया, नए नए स्वरूप सामने आए। अब बाद में क्या हुआ, औपनिवेश का प्रारंभ हुआ तो व्यापार के नए नए स्वरूप सामने आए। कौन कौन से स्वरूप, उन्होंने क्या किया, व्यापार को एक ऐसी प्रथा में प्रचलित कर दिया कि वहाँ पर व्यक्तियों को दास प्रथा में कन्वर्ट करने लगे, उन दासों को अपना दास बनाया, कुछ पैसे दिए और उनको खरीद लिया और मनमर्जी का कार्य करवाने लगे। अब पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, अंग्रेज, चारों जो जातियों के हम नाम बता रहे हैं, भारत में भी चारों जातियों का वर्चस्व, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, अंग्रेज, लेकिन इनमें से केवल अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य भारत में स्थापित कर पाया। तो ये जो लोग होते थे, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, इन्होंने क्या किया, अफ्रीका के लोगों को बलपूर्वक पकड़कर बागानों में काम करवाने लगे, और नए जब ये व्यक्तियों ने क्या किया, अफ्रीका के लोगों को बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती पकड़ कर अपने बागानों में काम करवाने लगे। और यूरोप, हम 12th क्लास में जब देखते हैं, पढ़ेंगे आगे,
कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी उत्पत्ति भी यूरोप के लोगों द्वारा, यूरोप के जो व्यक्ति थे उन्होंने अपनी खोज की उत्तरी अमेरिका की, और यहाँ के जो बड़े बड़े व्यक्ति थे जो ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया, एक अलग ही देश स्थापित किया जिसको हम उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर जो अफ्रीका में जो दास पकड़े जाते थे इनको बलपूर्वक पकड़कर कहाँ भेजा जाने लग गया, अमेरिका में भेजा जाने लगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी को समाप्ति का जो समय था उस समय तक प्राथमिक जो वस्तुओं का उत्पादन करने वाले जितने भी देश थे, प्राथमिक जिसको हम प्राथमिक व्यवसाय बोलते हैं, उस प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आने वाले जितने भी देश थे जो प्राथमिक व्यवसाय से अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन देशों की सारी चीज़ें क्या हो गई, उन देशों से न कोई वस्तु खरीदता न, तो ऐसी चीज़ें, यानी अपन बात वही कर रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देश ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे। अब उसका कारण क्या था, क्यों महत्वपूर्ण नहीं रहे, क्योंकि उनका स्थान जो था, उनके वहाँ कच्चा माल जो था, उस सारे के ऊपर कब्जा किसने कर लिया, यूरोपियन उपनिवेशवाद ने, और इसी के कारण क्या हो गया, वो देश लगभग नगण्य हो गए, उनकी कोई स्थिति नहीं थी कि वो अपने व्यापार को बढ़ा सके या आमदनी का जरिया बना सके। इस प्रकार हम बात करें इसके बाद में क्यों, तो क्यों का जवाब ये है कि औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के ग्राहक बन गए। जो राष्ट्र उत्पादन ज़्यादा उत्पादन कर रहे थे कच्चा माल, स्थानीय स्तर पर उपनिवेशों का स्थापना करने के बाद वहाँ का कच्चा माल उन्होंने अपनी मर्जी के आधार पर खरीदना प्रारंभ किया। जब वो औद्योगिक राष्ट्र जो थे वो एक दूसरे के क्या बन गए, ग्राहक बन गए। ग्राहक से हमारा अभिप्राय होता है कि जिस वस्तु की आवश्यकता सामने वाले राष्ट्र को होती वो उसको दे देता और उससे आवश्यकता वाली वस्तु ले लेता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, जब हम बात कर रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक संगठन चला करता था उस समय, ITO एक संगठन था, ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, ये क्या करता था, और इसके कुल मिलाकर 23 देश सदस्य थे। इसके कुल कितने, 23 देश सदस्य बने हुए थे, और इन 23 देशों के मध्य क्या होता था, व्यापारिक समझौता हुआ करता था, और इसके आधार पर ये चला करते थे। बाद में इस ITO को क्या कर दिया गया, GATT गेट में परिवर्तन कर दिया गया, यानी शुल्क व्यापार समझौते के तहत इसको गेट में जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेड जो होता है इसको अपन इसकी श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ और ट्रेड ये इसका पूरा नाम है। अब इसको अगर हिंदी में बोलते हैं तो व्यापार व शुल्क हेतु समझौता, व्यापार शुल्क समझौता जिसको गेट, तो ये ITO जो था वो गेट में परिवर्तित हो गया बाद में, और इस गेट के माध्यम से क्या हुआ, इन देशों के मध्य आपस में व्यापारिक समझौता हुआ, और उस व्यापारिक समझौते के तहत मनमर्जी के शुल्क लगाए गए। एक देश जब दूसरे देश में व्यापार करने के लिए व्यापारी जाते तो उनसे शुल्क वसूला जाता। फिर उसको क्या हुआ, धीरे धीरे जो बाद में ये जो गेट था, ये गेट बाद में किस में कन्वर्ट हुआ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसने क्या किया, ये जो शुल्क थे इन शुल्कों का दाम और ज़्यादा कम किया उसने, और कम करके व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा देने लगा। शुल्कों को घटा करके इसने WTO ने क्या किया, विश्व व्यापार संगठन जो था उसने क्या किया, शुल्क को घटा करके व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो ये तो था हमारा व्यापार का इतिहास, हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, ये इतिहास है, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत मानी जाती है। अब अपन बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस आधार पर किया जाता था, इसका आधार क्या था। तो इसका जो आधार में किसी वस्तु को जब हम काम में लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई आधार होता है, यानी इस आधार पर हम इस वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी प्रकार व्यापार के भी कुछ आधार थे। उन आधारों की अपन बात करें तो राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, ये एक आधार, तो राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, प्रत्येक देश, हम बात करें कि हमारे देश में जो खनिज है क्या वो खनिज सारे देशों में मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है। हर देश के अंतर्गत क्या होता है, हर देश की जलवायु अलग है, वहाँ की स्थलीय बनावट अलग है, भौगोलिक संरचना अलग है, तो इस प्रकार वहाँ पर विभिन्नता होती है। उन विभिन्नताओं के कारण वहाँ पर खनिजों की विभिन्नता भी देखने को मिलती है। वहाँ पर फसलें, खाद्यान्न फसलों की बात करें या अन्य फसलें, तो वो भी अलग अलग होती है। तो हम बात करें राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, प्रत्येक हमारे देश में जो चीज़ें उपलब्ध है वो अन्य देशों में नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, अपने देश में उपलब्ध वस्तुओं का निर्यात करते हैं, और अपने पास जो चीज़ नहीं है उनका हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, प्रत्येक देश में अलग अलग जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, अलग अलग संसाधनों की उपलब्धता, भौगोलिक संरचना, खनिज,
कृषि किसी क्षेत्रों में कृषि ज़्यादा होती है तो वहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन खाद्यान्न ज़्यादा होता है, और कई देशों में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता है तो खाद्यान्न उत्पादन नहीं करने वाले देशों में खाद्यान्न आयात किया जाता है, और अपने पास खनिजों की कमी है तो अपन क्या करते हैं खनिजों का आयात करते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता के कारण भी व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं जनसंख्या कारक। जनसंख्या कारक सीधी सी बात है, जहाँ पर सघन जनसंख्या होगी वहाँ पर वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होगी, वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर हमें क्या करना है तो जनसंख्या कारक भी जनसंख्या का आकार, वितरण, अलग अलग कला और संस्कृति, सघन आबादी संसाधनों की मांग को प्रदर्शित करती है। संसाधनों की मांग इसी जनसंख्या के कारण देखने को मिलती है। जहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर जनसंख्या क्या ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है वस्तुओं की डिमांड, वस्तुओं की मांग भी ज़्यादा रहती है। हस्तशिल्प के विभिन्न स्वरूप, अब कई आप जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है तो वो क्या करते हैं अपने देश में कुछ हस्तशिल्प के माध्यम से जैसे मिट्टी के बर्तन, मटके बनाए जाते हैं। अब कुछ देश अन्य देश जो होते हैं उनके पास ये कला उपलब्ध नहीं होती है तो वो ऐसी वस्तुओं का क्या करते हैं आयात करते हैं। तो हस्तशिल्प के अलग अलग कार्य, ईरान की अब कौन कौन से देशों की क्या चीज़ें प्रसिद्ध होती है अपन बात करें, ईरान की कालीन, अफ्रीका का चमड़ा, इंडोनेशियाई वस्त्र, ये बहुत ज़्यादा उस समय डिमांड करते थे, बहुत समय उस समय की डिमांड हुआ करती थी। तो ईरान की कालीन की डिमांड पूरे विश्व में, अफ्रीका का चमड़ा पूरे विश्व में महत्वपूर्ण माना जाता, इंडोनेशियाई जो वस्त्र होते थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे, बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होती थी। लेकिन ये सारी जो चीज़ें थी वो केवल कौन करते थे, पैसे वाले जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, वो अमीर व्यक्ति ही इनको क्या करते थे वस्तुओं को परचेज करने का खरीदने का कार्य करते थे। निम्न जीवन स्तर या अपना निम्न स्तर पर जीवन यापन करने वाले जो लोग होते थे उनको खरीदने की क्षमता नहीं थी, वो केवल कुछ मात्रा में जो आवश्यकता वाली वस्तु होती थी केवल उन्हीं को खरीद पाते थे। ये दूसरे नंबर का पॉइंट हो गया, पहला और दूसरा। तीसरा पॉइंट है आर्थिक विकास की अवस्था। अब आर्थिक विकास की अवस्था, औद्योगिक राष्ट्र जो होते थे, जो मान लो आर्थिक विकास की अवस्था का हमारा अभिप्राय है कि बहुत सारे राष्ट्र ऐसे होते हैं जहाँ पर औद्योगिक रूप से पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में मशीनरी होते हैं। बहुत सारे विकसित या विकासशील जो राष्ट्र है जहाँ पर पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों में क्या होता है मशीनरी की आवश्यकता होती है, वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो इनके माध्यम से क्या करते हैं आर्थिक विकास की अवस्था में परिवर्तन। वो लोग क्या करते थे जो औद्योगिक क्षेत्र होते थे वो मशीनरी औद्योगिक वस्तुओं का क्या करते थे निर्यात करते थे, और वो देश जो पिछड़ी वो देश क्या करते थे कच्चे माल का निर्यात इनको करते थे, कच्चा माल देते थे, तैयार माल लेते थे। अब इसकी भी आलम की इसमें बहुत सारा अंतर, क्योंकि अपने पास मान लो कच्चा माल तो है लेकिन अपने पास मशीनरी नहीं है, उस वस्तु उसको किसी वस्तु में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो हम क्या करेंगे कच्चे माल को दूसरे व्यक्ति को देते हैं और तैयार माल हम लेते हैं। तो आदान प्रदान इस प्रकार से होता है, किसी देशों के पास खाद्यान्न नहीं है तो खाद्यान्नों का वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट है विदेशी निवेश की सीमा। अब अपन देखते हैं कि विदेशी निवेश की सीमा, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र है जो पिछड़ी हुई अवस्था में थे, बहुत सारे देशों के गुलाम बने हुए थे। जब उपनिवेशवाद की समाप्ति हुई तो उस समय निवेश, अब दूसरा देश अपने देश में आकर के कहे कि साहब मैं पैसे लगा करके आपके ही देश के अंतर्गत इन वस्तुओं का निर्माण करना चाहता हूँ, मेरे को इतनी हिस्सेदारी चाहिए, तो उससे क्या होगा जो विकासशील राष्ट्र थे वो और मजबूत होंगे। तो निवेश की सीमा धीरे धीरे बढ़ने लगी और विदेशी राष्ट्रों ने क्या किया, ऐसे राष्ट्रों में जो विकासशील राष्ट्र थे उनमें जाकर के क्या करने लगे, वो अपना निवेश करने लगे, और निवेश के माध्यम से उनके भी इनकम हुई और अपने देश के लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी हुई और साथ ही साथ वस्तुओं का उत्पादन भी हुआ, जिससे हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हुई। उसके बाद में अपन बात करें परिवहन। अब परिवहन के प्राचीन काल में जो परिवहन होता था वो केवल जो ज़्यादा कॉस्टली जो चीज़ें होती थी, यानी ज़्यादा महंगी ज़्यादा गुणवत्ता वाली जो चीज़ें होती थी उन्हीं का परिवहन, लंबी दूरी का परिवहन किया जाता था। स्थानीय स्तर पर परिवहन साधारण आमतौर पर किया जाता था। तो इस परिवहन का धीरे धीरे व्यापार में परिवर्तन हुआ, हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, तो इसका वर्चस्व भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब इसका परिवहन की आवश्यकता स्थानीय स्तर पर क्यों पड़ी, रेल मार्ग, समुद्री मार्ग, वायु मार्गों के माध्यम से परिवहन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ स्थानीय स्तर पर व्यापार इसलिए बढ़ावा कि मान लो कोई ख़राब होने वाली वस्तु है उसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते तब तक वो ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए अवशीतन केंद्र, अवशीतन का ठंडे क्षेत्र, अभी जैसे अपन दूध जो होता है इकट्ठा किया जाता है डेयरियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं स्टोर तो किया जाता है, अवशीतन केंद्र यानी ठंडे केंद्र बना करके उनके, तो इस प्रकार से अवशीतन केंद्रों के निर्माण के कारण और कुछ परीक्षणों के माध्यम से यहाँ पर क्या हुआ स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिला और यहाँ पर परिवहन का उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये चार ऐसे पॉइंट है
जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है, इसी के कारण इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो इसी के कारण ज़्यादा पनपता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हो गए, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या पक्ष हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चार महत्वपूर्ण पक्ष हैं, व्यापार का परिमाण, व्यापार संयोजन, व्यापार की दिशा और व्यापार संतुलन। व्यापार का परिमाण, परिमाण से हमारा अभिप्राय होता है किसी वस्तु की मात्रा, माप तोल जो होता है। तो व्यापार के परिमाण को हम किसके माध्यम से, व्यापार वस्तुओं का वास्तविक तोल परिमाण कहलाता है। परिमाण की परिभाषा क्या होगी, व्यापारिक वस्तुओं का वास्तविक जो तोल होता है वो क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं को मूल्य के आधार पर उसका परिमाण लगाया जाता है, मूल्य के आधार पर ही उसका मात्रा जो होती थी उसका अनुमान लगाया जाता था। दूसरा जो आता है व्यापार संयोजन, धीरे धीरे व्यापार का स्वरूप पहले की अपेक्षा धीरे धीरे व्यापार में परिवर्तन हुआ, व्यापार का स्वरूप परिवर्तित हुआ और विनिर्माण जो उद्योग है, विनिर्माण बोलते मशीनरीकरण, धीरे धीरे इस व्यापार संयोजन में क्या हुआ, परिवर्तन देखने को मिला और धीरे धीरे पहले की अपेक्षा आज वर्तमान में धीरे धीरे मशीनरीकरण का जो युग आया उसके कारण और ज़्यादा व्यापार को बढ़ावा मिला और व्यापार की दिशा में, व्यापार में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। अब आती है व्यापार की दिशा, व्यापार की दिशा में जैसे संयोजन प्राचीन काल से वर्तमान में जो परिवर्तन देखने को मिला वही चीज़ है कि व्यापार की दिशा में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि जो देश अन्य देशों के उपनिवेश बने हुए थे वो देश क्या हो गए, आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद में उन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों को रोज़गार देने के लिए, अच्छे जीवन की गुणवत्ता युक्त जीवन जीने के लिए उन्होंने क्या किया, नए नए उद्योग स्थापित किए और अन्य विकसित राष्ट्रों से वो प्रतिस्पर्धा करने लग गए। तो ये व्यापार की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को। और व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन से हमारा अभिप्राय होता है आयात और निर्यात, हम कितना आयात कर रहे हैं और हम निर्यात कितना कर रहे हैं, तो इनमें असंतुलन बना हुआ है कि नहीं है। हमारा अगर आयात ज़्यादा है निर्यात कम है तो हमारा संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष है, चार महत्वपूर्ण पक्ष है, चार महत्वपूर्ण आधार है। और व्यापार जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास और व्यापार से हमारा क्या अभिप्राय, व्यापार कितने प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो PDF आपको मिला था उससे संबंधित जो नोट्स है उसी को अगर नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे और ध्यान से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करना है। और आप सभी से स्टूडेंटों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप जब वीडियो को देखो तो इसको चैनल को जो अपने स्कूल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो जब आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है कि हम आपके पास वीडियो आ रहा है, नया वीडियो आया आपके लिए। अब जब अपन उसको सब्सक्राइब नहीं करते तो अपने को उसको निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। हालांकि आप एप्लीकेशन के माध्यम से ये करते हो, लेकिन जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर जब अपन चैनल ऑन हो जाता है उसके ऊपर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको लाइक का बटन भी आता है, तो वो चीज़ों को भी ध्यान दे और उसको सब्सक्राइब करते रहे। नमस्कार।